एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो हेडलाइन है, इस हेडलाइन के अंदर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो पहला अपन पढ़ लेते हैं कि हेडलाइन क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हेडिंग दिया है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये लगभग 9 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, क्या गलती है ये फाइंड आउट करना है और उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। कुछ कॉमन एरर्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज का, उसमें जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ कॉमन एरर्स के बारे में, जो लगभग हर कोई, मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में वो गलतियां की है, ठीक है। तो उन गलतियों को हमको नहीं दोहराना है, और वो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें क्या गलती है और उसको कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये है 4 और ब्रैकेट में दिया हुआ 5 इज इक्वल टू 4x-5। हम लोगों को इस पूरे स्टेटमेंट में या इस पूरे इक्वेशन में हम लोगों को गलती फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये LHS है, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड रहता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लोग LHS को सॉल्व करके ये देखेंगे कि क्या वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया है 4x-5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4x यानी कि 4x, बीच में माइनस का साइन, 4x5 हो गया 20। अब आप देखो हम लोग का LHS का आंसर क्या आ रहा है, 4x-20, लेकिन RHS में इसमें जो दिया है 4x-5, जो कि इक्वल नहीं है, RHS यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम लोग को गलती पता चल गया, कहां पर गलती है, ये हमारा गलती यहां पर 5 है जबकि यहां पर 20 आना चाहिए। तो हम लोग का इसका, अब हम लोग को लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो LHS जो है 4x-5, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए 4x-20, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया और ये इसकी गलती है, यहां पर ये गलती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, पहले LHS को सॉल्व कर लेना, ये देखना है RHS की इक्वल आ रहा है या नहीं, फिर उसको नॉट इक्वल करके उसका करेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन।